as you all know, Fakhar Zaman has been dropped from the white ball tours to Australia and Zimbabwe. लेकिन उसके साथ साथ एक और जो development है वो ये है कि उनको central contract भी नहीं दिया गया. And this comes just a few days after he tweeted कि बाबर आजम की जो उनको जो drop किया जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी. उन्होंने ये कहा कि you know इतने बड़े player हैं. I'm sure you've all seen that tweet and it's not every day that you get to see a fellow player tweeting something. और जब उनकी वो ट्वीट आई, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि शायद उनको ये नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं एंड लॉजिकली तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि वो एम्प्लॉयड हैं बाय पीसीबी एंड ऑफ कोर्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं. सो दैट हैपेंड एंड देन यू नो पीसीबी ऑफ कोर्स आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ. उनको शो कॉज नोटिस जो है वो दिया गया एंड उसी की फिर डेवलपमेंट ये हुई कि उनको आगे जो स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं उससे भी ड्रॉप कर दिया गया. एंड देन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा एक वो होता है, समथिंग दैट टाइज द प्लेयर टू द बोर्ड एंड इट यू हैव टू साइन ऑफ ऑन सर्टन थिंग्स, सर्टन राइट्स. उसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड होती है कि अगर आपने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, देर आर सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट डू. आप पे लिमिटेशंस होती हैं बिकॉज यू आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय द बोर्ड. सो ए वो ड्रॉप हो गए हैं, बट बी उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया. ज़रूरी नहीं है कि जो जो प्लेयर्स स्क्वाड में आपके शामिल हैं, सेलेक्ट हुए हुए टीम में, उन सबको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये क्योंकि चीज़ें एक के बाद एक हुई हैं, सो इट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस टू कनेक्ट द डॉट्स के शायद इसका रीज़न यही था. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर की कि फ़खर जमान को ड्रॉप करने का रीज़न जो था वो ट्वीट भी थी, बट ऑन द अदर हैंड उनके फिटनेस के इश्यूज भी थे. अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वेटेज है इन दोनों इश्यूज का इन द फाइनल डिसीजन मेकिंग, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं. बट एज फैंस, पीपल आर रियली अपसेट कि एक इतना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है फ़खर जमान, और जिस तरह वो आके ओपन करते हैं, जैसे वो पावर प्ले को डोमिनेट करते हैं, जैसे वो पूरी इनिंग्स का मोमेंटम सेट करते हैं, ऐसे प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में कम ही हैं विद दैट एक्सपीरियंस दैट ही ब्रिंग्स. सो आई मीन, कुड ही हैव बिन टेकन ऑन द जिम्बाब्वे टूर एटलीस्ट, अगर उनकी फिटनेस तब तक रीगेन हो गई होती, मे बी ही कुड हैव बिन पार्ट ऑफ दैट. A lot of questions coming to mind right now, but reading all of the tweets coming in favor of Fakhar Zaman right now, it makes you think ke logon ki nazar mein wo abhi bhi kitne important impact player hai. Lekin ab unke liye kaun tweet karega, who will express that concern for him, time will tell. Shah Afridi ka record dekhe from 5th October 2023 until now, he has played across formats 31 matches और पाकिस्तान, इसमें उन्होंने 61 विकेट्स लिए हैं. उनकी पेस जरूर अप एंड डाउन हुई है, बट देर इज नो डाउट इन द फैक्ट ही इज आवर प्रीमियम फास्ट बॉलर राइट नाउ. फैंस आर डिवाइडेड ऑन दिस, उनको बहुत एक उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज है कि आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर कैटेगरी ए से बी में कैसे आ गया है. डू यू थिंक दिस वॉज जस्टिफाइड कंसिडरिंग उनकी रिसेंट फॉर्म इन व्हाइट बॉल क्रिकेट? Let me know what you guys think, because a lot of developments have been happening when it comes to central contracts list. Even Haris Rauf ko demote kiya gaya hai from category B to category C, lekin wo wali cheez phir bhi samajh mein aa sakti hai. On the other hand, Shaheen Shah Afridi, do you think it was justified for his category to be changed from A to B? Let us know what you think.